भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में शहर विधानसभा प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन सिविल लाइन स्थित एक लॉन में किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने विकास का कोई कसर नहीं छोड़ा है। पिछली सरकारों से अगर तुलना कीजिएगा तो पहले बिजली, शिक्षा, व्यापार, मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। जब से मोदी जी की सरकार आई, 15,000 किलोमीटर हमारी सरकार ने सड़क निर्माण कराया। उत्तर प्रदेश में सरकार ने 4 एक्सप्रेसवे बनाने का कार्य किया। अपने संबोधन में डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सर्व समुदाय की पार्टी है। शिक्षा का मतलब है कि वह मार्गदर्शक, समाज को दिशा देने का काम करते हैं। 2014 के पहले भारत की तस्वीर कैसी थी और आज देश विकास की ओर अग्रसर है। मोदी और योगी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व में आज भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। अपने संबोधन में नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि प्रबुद्ध वर्ग मोदी जी योगी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने किया। इस संबंध में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा। ध्यान करते हैं, पुनः इस मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित जनों का मैं स्वागत कर। देखा होगा कि उस कार्यक्रम में जो है गणित का एक बहुत बड़े वकील है सुप्रीम कोर्ट के, वो केवल मैथमेटिक्स समझा रहे थे कि किस गणित से जो है हम दोबारा जो है सक्रिय है। 5 साल के अपने कार्यकाल में जो है अपने विधानसभा का जब चुनाव उनके सर पर आया तो तालिबान से भी बदतर युद्ध योगी आदित्यनाथ जी की सरकार तत्परता से जनता के हित में कर रही है। सारे कामों का ये केर पकड़े वो श्रेय लेने का प्रयास करते हैं। प्रभात शंकर पाठक जी, दिनेश साहनी जी, राजेंद्र गिरी जी, सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। सावले मिश्र जी, प्रिंसिपल साहब, सबका मैं स्वागत करता हूँ। डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह जी, सबका मैं अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। व्याख्याता के रूप में उन्होंने काम किया था। आंध्र विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में चांसलर रहे, दिल्ली विश्वविद्यालय के चांसलर रहे। आज उनका जन्मदिवस है, मैं आप सब की तरफ से उनके श्री चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मैं प्रार्थना करूंगा कि उनके उन्होंने जो एक दिशा दिया दी थी इस देश को, उस दिशा पर हम सब आगे बढ़ने का काम करेंगे। आज के इस पुनीत पावन अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि सम्मानी पंकज जी विस्तार से प्रबुद्ध सम्मेलन के विषय को रखेंगे। मैं केवल उनका अभिनंदन करते हुए और एक बार जरूर आपसे ये विनती करते हुए कि 2014 के पहले की भारत की तस्वीर क्या थी और 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की तस्वीर क्या थी, एक बार अपने उस चित्र को अपने दिमाग में जरूर लाइएगा। 2014 के पहले जब उत्तर प्रदेश जब देश में की तस्वीर कैसी थी, पूरा देश 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के बाद पूरा देश भ्रष्टाचार और घोटालों की धमाकों से गूंज रहा था। पूरे देश का माहौल कैसा बनाया गया, राम सेतु के मुद्दे पर इस देश की सरकार ने, तत्कालीन सरकार के मुखिया ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि भगवान राम काल्पनिक है। एक फर्जी बम विस्फोट में साध्वी प्रज्ञा पुरोहित और कर्नल ऐसे हिंदूवादी नेताओं को किस तरह साजिश के तहत फंसाने का काम हुआ। 2008 में पाकिस्तान की धरती से 11 आतंकवादी भारत के अंदर घुसकर आए और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को 3 दिन तक बंधक बना लिया, 166 लोगों की हत्या कर दी, 300 से अधिक लोग घायल हुए और एक जिंदा आतंकवादी अजमल कसाब पकड़ा गया था। इस देश ने वो तस्वीर भी देखी थी। पूरे देश के लोगों में आंदोलन, देश में देशभक्ति का जज्बा खून खोल रहा था, लोग सड़कों पर आ गए थे, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री ने मौन धारण कर लिया था। लेकिन आपने देखा 2014 के बाद जब इसी भारत माँ की के कोख से एक ऐसा व्यक्ति जब देश के सर्वोच्च सदन पर मुख्य प्रधानमंत्री के रूप में जाता है और देश की सीमाओं से बाहर आकर के हमारे जवानों पर धोखे से कोई हमला करता है, चाहे उड़ी में हमला हुआ, चाहे पुलवामा में हुआ,
तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक क्षण भी देरी नहीं की, भारत माँ के जवानों को खुला आमंत्रण दिया और देश की सीमा में घुस उनके विदेश की सीमा में घुस करके उसका बदला लेने का काम भारत की सरकार ने किया। ज्ञापित करना चाहता हूँ कि आज मुझे भारत के कैबिनेट में वित्त राज्य मंत्री का दर्जा दिया, उसके लिए मैं उनका सब लोगों का भी और आप सबको भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के बारे में हमारे डॉक्टर साहब ने, राधा मोहन दास जी ने निश्चित तौर से बहुत कुछ बताया और मेरा मानना है कि यहाँ जो लोग बैठे हैं मुझसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन पार्टी ने एक दायित्व सौंपा है, एक जिम्मेदारी दिया है, तो निश्चित तौर से मैं कुछ आपको कहना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। मित्रों, ये मैं जानता हूं कि जब ये समाज बोलता है, ये समाज जब बोलता है, जब डोलता है, तो निश्चित तौर से परिवर्तन होता है। इसलिए कहीं ना कहीं आप सबके बीच में पार्टी ने निर्णय लिया कि पहले हम सबसे पहले प्रबुद्ध समाज के लोगों के बीच में जाकर अपने पार्टी द्वारा किए गए को कितनी प्राथमिकता दी जा रही है, इस बात से स्पष्ट होता है कि मोदी जी स्वयं वाराणसी से आकर के चुनाव लड़े और मोदी जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए अनेक प्रयास किए और साथ में योगी जी की सरकार ने भी मिलकर यूपी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य किया है। बहुत समय चर्चा चलता है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मैं सिर्फ निवेदन करूंगा मित्रों कि जो हमारी केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही हैं और जो हमारे योगी जी ने किया है, अगर उसकी तुलना जब तक अगर पिछली सरकारों से आप नहीं करेंगे, तब तक सही मूल्यांकन निकल करके नहीं आएगा। मैं मानता हूं कि अभी बहुत सा काम करना बाकी है। हम लोग उत्तर प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं, काशी हमारे पास है, अयोध्या हमारे पास है, बौद्ध सर्किट हमारे पास है, गंगा हमारे पास है, तमाम चीजें हमारे पास है, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश में मात्र 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट था जिससे कहीं ना कहीं विदेशियों को आने में असुविधा होती थी। हमारी सरकार ने 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास किया और कार्य प्रगति पर चल रहा है। लोग कहते थे कि यूपी में कोई बिजनेस नहीं करता है, कोई बिजनेस करना नहीं चाहता है, और योगी जी ने सरकार बनाने के बाद यूपी एक्सपो सम्मेलन कराया और उस समय ध्यान होगा आप लोगों को कि 4,68,00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 ,
3.68 लाख रुपए का कार्य प्रगति पर चल रहा, कार्य पूर्ण हो चुका है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस उत्तर प्रदेश में आने से लोग घबराते थे, आज 3.68 लाख रुपया आज विदेशी मुद्रा हमारे देश प्रदेश में आकर के लगाने के लिए लोग तैयार। मित्रों, यहां तक कि कोरोना काल में जब पूरा दुनिया पूरा देश ठप पड़ा था, उस समय भी 56 हजार करोड़ रुपया विदेशी निवेश भी हमारे उत्तर प्रदेश में आने का काम हुआ। मित्रों, मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि ईज ऑफ डूइंग कारोबार में सुगमता के लिए जो प्रधानमंत्री ने एक नाम तय किया था, 2015-16 में उत्तर प्रदेश 14वें स्थान पर था। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आज उन्होंने उत्तर प्रदेश को देश में ईज ऑफ डूइंग में दूसरे नंबर पर लाने का काम किया है। ये कहीं ना कहीं उपलब्धियों का सवाल है। पूरे उत्तर प्रदेश में देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के अवसर पर, शिक्षक दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है और उसी के क्रम में उत्तर प्रदेश के सभी 17 महानगरों में आज शुभारंभ हुआ है। गोरखपुर महानगर में भी उसी कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है, जो हमारे देश के वित्त और राज्य मंत्री माननीय पंकज चौधरी जी इस कार्यक्रम में थे। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा काशी विश्वनाथ जी से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किए हैं और आज से लेकर के 20 सितंबर तक उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में इस प्रकार के प्रबुद्ध सम्मेलन करने का हम सब काम करेंगे, ताकि केंद्र में मोदी जी और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जो काम किया है, वो काम प्रबुद्धों के माध्यम से हम धरातल पर ले जाने का काम कर सकें, जिसके दृष्टि से कार्यक्रम चल रहे हैं।
वो जिस दिशा में चलता है समाज उसी दिशा में चलता है। भारतीय जनता पार्टी कोई भी काम करती है तो निश्चित तौर से अपने प्रबुद्धों के बीच में जाकर उनको बताने का कार्य करती है कि हमारी सरकार क्या क्या काम कर रही है, ताकि प्रबुद्धों के माध्यम से समाज में विभिन्न समाज के लोगों के पास बातें पहुँचाई जा सकती। अब 2022 का चुनाव अभी 6 महीना बाकी है और निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी लगातार निरंतर कार्यक्रम करती रहती है, उसी के तहत ये कार्यक्रम हो रहा है। और जो आप चुनाव का कार्यक्रम समझें या पार्टी का सदस्यों का जो रूटीन में कार्यक्रम चलता है, अब इस पर मैं बहुत ज़्यादा कमेंट तो नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि उनका विषय है वो क्या कह रहे हैं, लेकिन कितने वो प्रबुद्ध हैं ये आप लोगों ने भविष्य में देखा होगा कि जब वैक्सीन हमारे वैज्ञानिकों ने बनाया, हमारे डॉक्टरों ने बनाया, और उस वैक्सीन को उन्होंने कहा कि भाजपा का वैक्सीन है, मोदी का वैक्सीन है, कितने प्रबुद्ध हैं उनका निर्णय आप खुद करें।